वजीर दिफा ने छोटी बात की। ख्वाजा आसिफ के दो दो हाथ करने के बयान पर शाह महमूद बरस पड़े। वजीर दिफा के दो दो हाथ करने के बयान को गैर जिम्मेदाराना करार देते हुए ख्वाजा आसिफ ने छोटी बात की है। इस किस्म की धमकियों पर हैरान हूँ कि क्या मयार हो गया है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि इससे पहले बिलावल भुट्टो ने भी सदर मुमलिकत के बारे में ऐसा बयान दिया। क्या बिलावल को ऐसा बयान जेब देता है? सियासत में सियासी अंदाज में मुकाबला करना चाहिए। हुकूमत के बयानात अंदरूनी घबराहट के आयनादार हैं। पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि जब तक तीनों नामजद शख्सियात अपने ओहदों पर मौजूद हैं, हमें इंसाफ की तवक्को नहीं। अगर हुकूमत इलेक्शन के लिए संजीदा है तो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। कहा कि वज़ीराबाद हमले की ऐसी एफआईआर काटी गई जिसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं। आज बोल टीवी वाले शोएब शेख को उन्होंने उसकी जिंदगी को खतराब हो गया। पहले उसको था अरशद शरीफ को, आज शोएब शेख का मुझे पैगाम आया, उसको धमकियां दे रहे हैं कि उसको मारेंगे। इस सिर्फ के बोल टीवी हमें उठा रहे। बोल ने हमेशा हक को सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाले अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे। ऐसे भी हमने बड़ी मुश्किल, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। बोल को है जरूरत आवाम के दुआओं की। इस हारे आसाती के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी आवाम के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।